तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट टू है, आपको फिर से मैं बताऊंगा आप इस बार कैसे आप पिकअप चलाते हैं। तो अगर आप पहली बार पिकअप चलाना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें हम पूरा स्टेप बताएंगे कैसे आप पिकअप गाड़ी को चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये 1.7 है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने केबिन में। और केबिन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले हम केबिन पर बैठते हैं। यहाँ पर केबिन में बैठ गए और आपको ये गेट लगा लेना है। गेट लगा लिए आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, ये हैंड ब्रेक है यहाँ पे, ये देखिए हैंड ब्रेक है, ये देखिए ये हैंड ब्रेक है, इसे हम इसे हटा लेंगे। अगर आपका गाड़ी ढलान में है तो ब्लेज आपका ब्रेक और क्लच दबा के हटा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी है जो है आपका, सबसे पहले बात है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गियर है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रिजर्व गियर है आपका। यहाँ पे इधर देखिए, जैसे कि ये जो है आपका ABC, आपको हमेशा ध्यान देना है ABC। ABC क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे तीन चीज देखने को मिल रहा है, ये हो गया ये इधर, ये ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक और सी मतलब क्लच। दाहिना तरफ से देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सीलेटर हो गया, बी में बीच वाला ब्रेक है और सी साइड वाला क्लच है। ABC दाहिना तरफ से ये जो आपका देख रहे हैं ये एक्सीलेटर है, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, तीनों चीज आपको ध्यान देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लच फुल लेना है, बायां वाला जो है ये क्लच है, बायां क्लच होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा बायां क्लच है, और दाहिना जो होगा ये आपका ब्रेक है, और साइड में ये जो एक्सीलेटर है, आप पहली बार चला रहे हैं तो एक्सीलेटर पर पैर आपको नहीं रखना है। और मैं अभी चप्पल पहना हूँ, आप इसे जूता पहन के चलाइएगा, क्योंकि चप्पल आपको दिक्कत करेगा, स्लिप उलिप कर जाए, तो आप जूता पहन के ही चलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये जो है ये जो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपको यहाँ पर इससे न्यूट्रल कर लीजिएगा, ये आपका बीच वाला न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे चाबी, अगर आपका लॉक होगा तो हैंडल को हल्का सा हल्का हल्का कर लीजिएगा इस तरह, और यहाँ पे चाबी आपको एक बार देना है, यहाँ पे देखिए चाबी है, एक बार दे देना है, उसके बाद फिर से एक बार और देना है, तो आपका इग्निशन चालू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे टोटल मीटर यहाँ पे आ गया, इस तरह कलर आ जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं गाड़ी न्यूट्रल पूरा आपको रख लेना है, पूरा गाड़ी को इस तरह न्यूट्रल कर लीजिएगा, और जो बायां पैर है आपको यहाँ पे देख सकते हैं बायां पैर क्लच फुल जो है, आप मैंने बताया कि इस साइड वाला जो क्लच सबसे साइड बायां, सबसे साइड बायां जो है क्लच है, इसको फुल दबा देना है। और यहाँ पे ये जो चाबी है एक बार इस तरह दबाइएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब घुमाना है इसे। तो गाड़ी मेरा अभी स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं गाड़ी मेरा स्टार्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो गियर है ये पूरा न्यूट्रल है, तो आपको पूरा ऐसे हाथ इस तरह करना है, ऐसे कर देना है, एक बार आगे कर देना है, मतलब कि ये जो है पूरा न्यूट्रल है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा न्यूट्रल है, ऐसे हाथ करना है, पूरा इधर चल जाएगा और उसके बाद एक बार आगे कर दीजिएगा, ये आपका एक गियर लग गया। उसके बाद आगे देखते हैं, अब क्लच जो है देखिए, अब यहाँ पे बात है कि क्लच कैसे छोड़ना है। देखिए आपको यहाँ पे एक तरफ हमने गाड़ी मेरा ढलान पे है, देख सकते हैं गाड़ी भी मेरा यहाँ पे ढलान में है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर पहाड़ी इलाका है, इधर ये जो ढलान पे है देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ढलान पे है, तो इसलिए मैंने ब्रेक और क्लच दोनों करके रखे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको हल्का हल्का ऐसा छोड़ना है, हल्का 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 छोड़िएगा, और ये गाड़ी देखिए आपका बढ़ गया, देखिए ये गाड़ी मेरा बढ़ गया, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी मेरा बढ़ गया है, गाड़ी मेरा बढ़ चुका है देख सकते हैं। और आपको जब तक ये आपको एक गियर से दो गियर नहीं करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत आप गियर चेंज कर दीजिएगा तो बस कहानी खत्म हो जाएगा, आपको गियर जब तक आपका एक गियर में हल्का सा चला लीजिएगा हल्का, तो उसके बाद आपको जो क्लच है बायां वाला जो सबसे बायां में जो है आपका क्लच है, उस क्लच को आपको एक बार दबाना है, फुल फुल दबा के आपको ये जो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐसे पीछे करना है, आपका गाड़ी दो गियर लग गया, आप गाड़ी का स्पीड जैसा बढ़ गया है देख सकते हैं। और मैं जरा शीशा मेरा गंदा है तो मैं वाइजर चला देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का जो शीशा है वो साफ हो चुका है, और गाड़ी मेरा अभी चल भी रही है देख सकते हैं, गाड़ी दो गियर में है यहाँ पे देख सकते हैं,
और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर आपको तुरंत गियर चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप तुरंत तुरंत गियर चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आप गाड़ी चला नहीं पाएंगे, आपका गाड़ी बंद हो सकता है। तो दो गियर में आपको हल्का सा चलाना है, उसके बाद आपको तीन गियर डालना है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको तीन गियर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं दो गियर में ही गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आपका दो गियर हो गया तो हल्का सा आपको ये जो देख रहे हैं क्लच को पूरा ले लीजिएगा, और क्लच को लेने के बाद आपको हल्का सा आगे कीजिएगा और फिर से ऊपर कर दीजिएगा तीन गियर। आपको गियर लगाना पहले आपको सीख लेना है पाँचों गियर कैसे लगता है, उसके बाद ही गाड़ी आपको चलाना है। तो गाड़ी जरा सा स्पीड हो गया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं इसको गाड़ी को यहाँ पे ब्रेक करूँगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रेक कर दिया हूँ। गाड़ी को यहाँ पे अगर बंद करना हो तो क्लच पूरा लेके आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लच पूरा लेके गाड़ी का जो चाबी है एक बार पीछे कर देना है। गाड़ी मेरा बंद हो चुका है, तो इस तरह आप यहाँ पे आपका गाड़ी जो है बंद हो गया है इस तरह। तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको करते जाना है, तो आप जो आपका पिकअप है आप चलाना सीख जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि आप एक गियर से दो गियर ही अधिकतर मतलब आपका लोकल में अगर चला रहे हैं, अपना गांव घर में चला रहे हैं, तो एक से दो गियर ही में चलाएं। उसके बाद कोई आपका अगल बगल में कोई फील्ड है फील्ड पे ले जाएं, और जब तक आपका हाथ साफ ना हो जाए मतलब कि पूरा आपका ड्राइव होना शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर आप इस तरह हड़बड़ी में तुरंत आप पूरा कुछ करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले आपको क्लच ले लेना है, फिर आपका क्लच धीरे धीरे छोड़िएगा, मतलब जिस तरह मोटरसाइकिल में आप हाथ में छोड़ते हैं उस तरह आपको पैर में छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सीख जाएंगे। और मैंने भी अपने से ही सीखे, कोई ड्राइवर हमें नहीं सिखाया। आई होप दोस्तों यह वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कैसे आप अगर आपका बोलेरो पिकअप 1.3 है या फिर 1.7 है उसे कैसे चलाते हैं, और आप अभ्यास करें। और आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस अप्लाई कर दें, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना लाइसेंस का गाड़ी आप चला नहीं सकते हैं रोड में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे के साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।